trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go through the waste. Assalamu alaikum viewers, good morning, welcome to RKJ. दोस्तों मैं अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल फिट फाट और अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि आप सब लोग भी फिट फाट होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज जो हमारा मसल्स है वो लेग का है। जैसे हम आपको बता चुके हैं और हम बताते रहते हैं कि लेग आपकी बॉडी का सबसे बड़ा मसल्स है। लेग की एक्सरसाइज को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज इसकी स्किप बिल्कुल मत करें। एक्सरसाइज लेग्स की बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपनी बॉडी से कट फैट को कट करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो अपनी बॉडी को स्मार्ट खूबसूरत बनाना चाहते हैं। आपकी बुनियादें मजबूत होंगी तो आपकी ऊपर की इमारत भी मजबूत ही होगी, यानी कि आपकी बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आज हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे, ट्रेडमिल करेंगे, उसके बाद हम आज का वर्कआउट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं लेग वर्कआउट। अच्छा दोस्तों, फर्स्ट जहां से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी वेटेड स्क्वाट लगाएंगे 25-25 रैप्स की, और टू हम इसके सेट्स परफॉर्म करेंगे, टू सेट्स 25 रैप्स। Hold me close till I get up, time is barely on our side. अच्छा फ्रेंड्स, फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो लेग स्क्वाट्स है। लेग स्क्वाट आज हम जो परफॉर्म कर रहे हैं स्मिथ मशीन पे कर रहे हैं। स्मिथ मशीन पे दो तीन तरह के फायदे होते हैं, वो हम आपको बेनिफिट्स बता देते हैं। एक तो स्मिथ मशीन पे आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है, प्लस एक जो खौफ होता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगा रहा हूँ कि मैं गिर ना जाऊँ, कुछ ऐसा ना हो जाए, उसके लिए बहुत अच्छी है। न्यू कमर्स को हम यही रिकमेंड करते हैं कि वो स्मिथ मशीन पर ही स्क्वाट करें, और हम स्मिथ मशीन पर आज हम आपको एक्सरसाइज अपनी परफॉर्म करके दिखाएंगे। फोर सेट्स हम इसके परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगे 10-12। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है जबरदस्त इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, स्मिथ मशीन पर ही हम परफॉर्म करेंगे सुसाइड लेग प्रेस। फोर सेट्स हम इसके परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी 10-12। एंगल आपने देखना है, क्वालिटी क्वांटिटी कंट्रोल के साथ आपने ये परफॉर्म करना है। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो लेग एक्सटेंशन है। लेग एक्सटेंशन के भी हम फोर सेट्स परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी हमारी 10-12। Hold me close till I get up, time is barely on our side. अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग लेग कर्ल है। फोर सेट्स परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी हमारी 10-12 फॉर ईच लेग। Shadow turns to sun rays and on and on.
अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हैक स्क्वाड के हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी हमारी 10 to 12। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी लेग की एक्सरसाइज है, सेटेड लेग कर्ल है, 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, 25 रेप्स, 4 सेट्स 25 रेप। अच्छा फ्रेंड्स, आज वर्कआउट आपके साथ हमने शेयर किया, लेग्स का जबरदस्त किस्म का वर्कआउट है। रिकैप हम आपको बता दें, हमने सबसे पहले वार्म अप किया है, उसके बाद हमने ट्रेडमिल किया था, ट्रेडमिल के बाद लेग का हमने आपसे वर्कआउट शेयर किया, उसके बाद हमने फोरआर्म्स किया, फोरआर्म्स के बाद आज हमने ट्रेडमिल नहीं किया। जिस दिन हमारी लेग का वर्कआउट होता है उस दिन हम ट्रेडमिल नहीं करते, लास्ट में हमने सिर्फ बॉडी और लेग्स को स्ट्रेच किया। देखें, जब आप कोई बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं तो जब आप आफ्टर वर्कआउट बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और इंजरी के चांसेस भी आपके बहुत हद तक कम हो जाते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज के दौरान हमने आपको कहा है कि पानी का इंटेक आप रखें, पानी आपने बिल्कुल पीना है, सिप्स घूंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, इकट्ठा आपने पानी नहीं पीना। लेग्स जबरदस्त किस्म का वर्कआउट है, हमारी बॉडी का बड़ा मसल्स है, आपको लेग्स करने में मुश्किल आएगी, बिल्कुल आएगी। लेग्स का वर्कआउट अभी भी हम, हालांकि हम लेग्स स्किप नहीं करते, लेकिन लेग्स आज करने के बाद ऐसा दिल नहीं चाह रहा कि बिल्कुल हम लेग्स पर खड़े हों। तो एक्सरसाइज का मकसद ही यही है कि जिस भी मसल्स को आप ट्रेन कर रहे हैं उसको बिल्कुल आप स्क्वीज कर दें, बिल्कुल आप उसे नचोड़ दें तरीके से, ताकि वो अच्छे से दोबारा डेवलप हो, उसके मसल्स, उसके टिश्यूज अच्छे से डेवलप हो। आज की टिप्स आपके भाई की यही थी, अपने भाई आरकेजे को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग में नई एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।